अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़ैनब किचन। आज हम बनाएंगे चिकन गार्लिक पाव। इसके लिए हमने 6 पाव लिए हैं और इसको इस तरह से कट लगाया है। अब हम मिश्रण तैयार करेंगे। उसके लिए एक बाउल लेंगे, उसमें हम चिकन के पीस डालेंगे। चिकन को हमने अदरक लहसुन और नमक लगाकर उसको बॉईल करके उसके पीस निकाले। उसमें हम स्वीट कॉर्न डालेंगे, इसको भी हमने नमक डाल के बॉईल करके लिया है। चॉप हरी मिर्ची डालेंगे, चॉप हरा धनिया डालेंगे। अपन सब मसाले पाव के हिसाब से ले सकते हैं। चॉप टमाटर डालेंगे, इसके हमने बीज निकालकर चॉप किए हैं। शिमला मिर्ची को भी हमने बारीक चॉप किया है और 2 मीडियम साइज के प्याज उसको भी हमने बारीक चॉप किया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, मिक्स हर्ब्स डालेंगे, मैगी मसाला डालेंगे, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून टमाटर सॉस डालेंगे और 1 टेबल स्पून मायोनीज डालेंगे। मायोनीज हम ब्लेंडिंग के लिए डालेंगे, इसमें आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हो। अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिश्रण हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम पाव लेंगे, इसको ऐसे खोलेंगे और हमने मेल्टेड बटर लिया है, उसमें लहसुन डाला है चॉप करके। मेल्टेड बटर हम पाव के ऊपर लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर मिश्रण रखेंगे। आपको जो सब्जी पसंद है वो भी इसमें आप ले सकते हो। मिश्रण हमारा अंदर भर के हो गया है। अब हम ऊपर से भी गार्लिक बटर लगाएंगे। और हमने एक बर्तन को गैस पे रखा था गर्म होने के लिए। 5 मिनट के लिए गैस को हमने फास्ट किया था और 5 मिनट के बाद लो मीडियम पर इसको रखे। अब इसमें हम पाव की प्लेट रखेंगे। आप इसे ओवन में भी बना सकते हो। गैस को हमने लो मीडियम किया है और इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट हमारे हो गए हैं। अब हम गैस बंद करेंगे और ढक्कन को हटाएंगे। पाव देखिए हमारे कितने क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप इसे ज़रूर बनाइए और खाइए। वीडियो अच्छी लगने पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।